ऐसे हिमाचल में बाढ़ और बारिश से तबाही आई है उसका जायजा लेते हुए इस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम हिमाचल प्रदेश वो इस वक्त हवाई सर्वे कर रहे हैं और खुद से वो जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहां कहां पर बारिश ने और बाढ़ ने ज्यादा तबाही मचाई है। सीएम सुखविंदर सुक्खू इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, न्यूज 18 JKLH आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है और इसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू साफ तौर से देखे जा सकते हैं कि वो हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं और वो जो है हवाई सर्वे कर रहे हैं। वो हवा में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में बैठकर हवा में उड़ते हुए वो ये जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जो है वो तबाही और ये बर्बादी बारिश ने सैलाब की शक्ल में वो दिया है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पिछले कुछ दिनों में जो अभी बारिश के हालात बने हैं, पिछले कुछ दिनों में बारिश और सैलाब से 72 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 8 लोग जो है अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा है वो कहाँ हैं किधर गए। और इसके साथ बड़ी संख्या में जो है लोगों के घर टूटे हैं या पानी में बह गए और कई जगहों पर कारें या फिर बाइक्स वो तो नदी में पानी के बहाव में इस तरह से बह गई हैं जैसे तिनका बहता हो, कई पुल पुलिया जो हैं वो बह चुके हैं या फिर वो खत्म हो चुके हैं, नदी में समा गए हैं। इन हालात के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त एरियल सर्वे करते हुए, हवाई सर्वे करते हुए वो हेलीकॉप्टर के जरिए से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहाँ कहाँ पर किन किन इलाकों में कितनी तबाही बची है, ताकि वो इसके बाद जो है एक मीटिंग करके बैठक करके दिशा निर्देश दे सकें, अपने सुझाव दे सकें और अधिकारियों के सुझाव से त्वरित एक्शन प्लान तैयार हो सके कि कहां पर किस तरह सबसे पहले एक्शन लेना है। हालांकि इसी बीच ये भी खबर है कि प्रधानमंत्री ने भी सुखविंदर सुक्खू से बात की है और उनसे हाल चाल जाना है कि हिमाचल में बारिश से जो तबाही आई है उसके बारे में जानकारी ली है। और इस बातचीत में सीएम सुखविंदर सुक्खू ने केंद्र से ये मांग की है कि इसे प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया जाए, लेकिन अभी इस बारे में और ज़्यादा जानकारी अभी नहीं आ पाई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री ने कहा है, बातचीत से जो बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और इसी के साथ टॉप 18 में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज 18 जो कि इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।